नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, सतना में पिछले दिनों पकड़ी गई नशीली शराब का भारी खेप का असर रीवा में भी दिखाई दिया। चार दुकानों की सीजिंग की कार्रवाई, एक का लाइसेंस निरस्त। पिछले दिनों सतना में 430 पेटी नशीली कप सिरप कुलगवा पुलिस ने बरामद की थी। इसमें नाम आया था रीवा में बालाजी इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान चलाने वाले संजय ताम्रकार का। पुलिस ने संजय ताम्रकार को गिरफ्तार कर लिया था। नशीली कप सिरप का इतनी बड़ी तादाद में पकड़ा जाना काफ़ी बड़ी बात। भोपाल तक जैसे ही इस बात की सूचना पहुंची, विभाग के कान खड़े हो गए। तत्काल ही प्रदेश के कुछ चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई गई और उसको इस मामले में गुपचुप तरीके से कार्रवाई के लिए कहा गया। इंदौर के धर्मेश शाह, शाहजहाँपुर के प्रीत स्वरूप, बालाघाट के शरद जैन, कटनी के स्वप्निल सिंह, सतना की ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे इस टीम की सदस्य। टीम ने गुपचुप तरीके से संजय ताम्रकार के रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें उसने पाया कुछ चुनिंदा कंपनियों के माल संजय ने बहुत ज़्यादा भेजे हैं। साथ ही कुछ दुकानदारों को इन मालों की सप्लाई बहुत ज़्यादा की गई है। पुख्ता तरीके से जानकारी जुटाने के बाद टीम रीवा पहुंची। यहां पर उसने स्वास्थ्य विभाग को किसी तरीके की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। शायद उनको इस बात का भय था, यह जानकारी रीवा का स्वास्थ्य विभाग लीक भी कर सकता है। इस टीम ने बालाजी इंटरप्राइजेज, वेंकट रोड, शिवम मेडिकल स्टोर पड़रा, श्रीराम मेडिकल स्टोर दुआरी, अखिलेश फार्मोकोलॉजी में छापा मारा और इन चारों दुकानों को सीज कर दिया। वहीं संजय की दुकान बालाजी इंटरप्राइजेस का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। शेष दुकानों का लाइसेंस भी आगामी आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। माना जा रहा है यह टीम निकट भविष्य में कुछ और दुकानों पर भी छापामारी करेगी। गुपचुप तरीके से जानकारी जुटाई जा रही है। संजय ताम्रकार के बही खातों की जाँच की जा रही है। उससे पता लगाया जा रहा है संजय ताम्रकार किन दुकानों को ज़्यादा माल सप्लाई किया करता था और वह क्या था। इस बारे में हमने छापा मारने आए दल से बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाते हैं पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अमली चमक पहनाया गया। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कुछ दवाओं का उपयोग, कुछ कफ सिरप का उपयोग नशे के रूप में हो रहा है। इसी के तारतम्य में बहुत सारी कफ सिरप सतना पुलिस ने और रीवा पुलिस ने जब्त की। इसकी सूचना जो हमारे नियंत्रक महोदय रविंद सिंह साहब को प्राप्त हुई, उन्होंने इस मैटर को बहुत सीरियस लिया और उन्होंने हमारे छह लोगों का एक दल गठित किया, जिसमें कि हमारे जबलपुर, शाजापुर, सतना, बालाघाट, कटनी, इन जगहों के लोगों की टीम बनाई और इस टीम का ये काम, हमको ये दायित्व सौंपा कि हम इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसकी विशेष जांच कर गहन कार्रवाई करें। तो जब कार्रवाई करने की हमने सबसे पहले सतना पुलिस को संपर्क किया, उन्होंने और TI रीवा को भी संपर्क किया, तो उन्होंने जो हमको माल बताया वो था ऑनरॉक्स करके और एक था RC कॉफ कप सिरप। ये दोनों माल बिंग्स कंपनी के हैं जो उनका बायोटेक डिवीज़न बनाता है। जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम हुआ कि कोई संजय ताम्रकार करके जो हम जहां अभी खड़े हुए हैं, मेन जो इसमें इन्वॉल्व है कप सिरप के मार्केटिंग में होलसेलर, वो यही है संजय ताम्रकार। तो बालाजी का जितना हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो इनकी जो सेल थी इतनी, मतलब कुछ विशेष फर्मों को बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा सबसे पहले क्यों ना बालाजी को इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो ये दुकान लगातार बंद है। फिर हमने इसका लाइसेंस आज निरस्त कर दिया है। अब इनसे जिन लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी माल खरीदा है उस पर भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें जो रीवा के 3 नाम सामने हमारे आए थे तो उनके भी लाइसेंस हमने आगामी आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिए हैं, रोक दिए, उन पर रोक लगा दी कि आप विक्रय नहीं कर सकते। उनकी दुकान को हमने सील कर दिया है, हमने इस बालाजी को भी सील कर दिया है। और अब इन्वेस्टिगेशन में और जैसे जैसे नाम हमारे सामने आते जाएंगे, हम आगे भी यही कार्रवाई करते जाएंगे। कार्रवाई को हम भी इतना कड़क और कठोर करना चाहते हैं ताकि लोग इस तरह की बुरे काम में अपना आगे ना जाएं, इस तरह की दवाइयों का मिसयूज ना हो। वो 3 कौन सी दुकानें हैं और कब तक अभी कार्रवाई चलने की संभावना है, कब तक होगा? देखिए 3 दुकानें, एक तो है शिवम मेडिकल स्टोर, एक जय श्री राम मेडिकल स्टोर और एक और है आपकी अखिलेश मेडिकल स्टोर। इन तीनों की दुकानों को हमने सील कर दिया है। अब ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड लेके आएंगे, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ज़रूरत होगी तो हम इनका लाइसेंस आगे के लिए सस्पेंड भी करेंगे और कैंसिल भी करेंगे।